सुविधाओं के वादे पर जीते जा सकते हैं चुनाव। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट हुआ गंभीर, मांगे सुझाव। एससी का सवाल, कैसे रेवड़ी कल्चर पर लगे लगाम। एक हफ्ते में रेवड़ी कल्चर पर जवाब दे पक्ष और विपक्ष। गुजरात में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव उस तरह के कल्चर के लिए टेस्टिंग ग्राउंड साबित होगा जिसका जिक्र अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और केजरीवाल पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर भड़क गए थे। जी हाँ, रेवड़ी कल्चर की अहमियत पता लगाने के लिए गुजरात चुनाव को एक टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया है तो अब ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली चीजों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए नीति आयोग, वित्त आयोग, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों, आरबीआई और अन्य हितधारकों से मिलकर एक शीर्ष निकाय की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के अलावा कई याचिकाकर्ताओं के एक विशेषज्ञ समूह के गठन पर सुझाव मांगा है। अगले 7 दिन में सभी पक्षों को रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। ये समूह इस बात की जांच करेगा कि चुनाव से पहले बांटे जाने वाले मुफ्त के गिफ्ट या फिर कहे रेवड़ियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। दरअसल वोट देकर सरकार बनाने के एवज में फ्री में जनता को सामान देने का वादा करने वाली पार्टियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने बताया कि कैसे ये कल्चर देश, राज्य और जनता पर बोझ बढ़ाता है। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, इससे वोटर की अपनी राय डगमगाती है। ऐसी प्रवृत्ति से हम आर्थिक विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। चुनावों में मुफ्त की घोषणा वाले वादे वाली याचिका पर आगे तुषार मेहता ने कहा, हम इस याचिका का समर्थन करते हैं। फ्री देना अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। इस साल जनवरी में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग दोनों से इस मामले पर जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये मुद्दा सीधे देश की इकोनॉमी पर असर डालता है, तभी तो इस मामले को लेकर एक हफ्ते के अंदर ही जवाब मांगा गया है। अब इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। तब तक सभी पक्षों को रेवड़ी कल्चर को कैसे रोका जाए, इस पर अपना जवाब तैयार रखना होगा। गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी एवज में अभी हाल ही में केजरीवाल गुजरात पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिल्ली मॉडल के तहत गुजरात में फ्री बिजली, शिक्षा और पानी देने का वादा किया और साथ ही पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर पलटवार भी किया। केजरीवाल ने इसे भगवान का प्रसाद करार दिया। केजरीवाल ने कहा, हमने जनता में जो फ्री की रेवड़ी बांटी है वो भगवान का प्रसाद है, जैसे फ्री बिजली, फ्री शिक्षा। लेकिन ये लोग फ्री की रेवड़ी सिर्फ अपने दोस्तों को देते हैं, उनके कर्ज माफ करते हैं, ये पाप है। केजरीवाल ने कहा था, जनता को फ्री रेवड़ी देने से श्रीलंका जैसे हालात नहीं होते, अपने दोस्तों मंत्रियों को देने से ऐसे हालात होते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके लिए वो यूपी के जालौन जिले पहुंचे थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने जिस जनसभा को संबोधित किया था, तभी रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था, ये रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा था, रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे, हमें मिलकर इनकी सोच को हराना है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे, हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। इसी रेवड़ी कल्चर के मुद्दे पर अब देश की सर्वोच्च अदालत ने भी हस्तक्षेप किया और सभी पक्षों से 7 दिन के अंदर इस रेवड़ी कल्चर को रोकने पर जवाब मांगा है। वैसे आपका रेवड़ी कल्चर के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।